आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ चावल के कटलेट। ये झटपट बनने वाला बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता है। अगर इस लॉकडाउन में आपकी सामान की खरीदी रह गई है या नहीं कर पाए हैं, या आपकी सब्जी वगैरह ख़त्म हो गई है और साथ ही साथ आपके चावल कल के बच गए हों, तो उससे बनाए झटपट ये स्वादिष्ट नाश्ता। कम समय में और अच्छा बनने वाला नाश्ता है ये। इसके लिए विधि इस प्रकार है। एक पैन में बचा हुआ जो कल रात का चावल था, एक कटोरी लिया। एक आलू को बॉईल करके इसमें डाल दिया है और अब इन दोनों को अच्छे से मैश करना है। धीरे धीरे मैश करते रहिए। अगर आपके पास और कोई सब्जी नहीं हो आलू के अलावा तो आप नहीं डालिए, अगर है तो आप मटर डाल सकते हैं, कैरेट डाल सकते हैं, फलीज डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो डाल दीजिए। अब मैंने ये सूखा धनिया जो स्टोर करके रखती हूँ वो मिक्स किया है। ये कसूरी मेथी है जो हमेशा स्टोर करके रखती हूँ वो मिक्स किया। ये दोनों एक एक चम्मच लिया है। आधा चम्मच कसा हुआ अदरक है, एक कली लहसुन की बारीक कटी हुई है, 1/4 स्पून हींग, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 स्पून सौंफ, 1/4 स्पून चाट पाउडर और आधा नींबू। अगर आपके पास नींबू अवेलेबल नहीं है क्योंकि सब्जी की बहुत ही शॉर्टेज है, तो आप अमचूर पाउडर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और एक चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें और भी सब्जी ऐड कर सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। मेरे घर में हरी मिर्च भी नहीं है इसलिए मैंने हरी मिर्च नहीं ऐड की है। आपके यहाँ हो तो आप ऐड करिए। यहाँ पर मैंने एक चम्मच बेसन ऐड किया है, चने दाल का पाउडर, आटा। अगर आपके यहाँ रवा है या फिर कॉर्नफ्लोर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं बेसन की जगह। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, इसमें कोई तेल ऐड नहीं किया है। मिक्स करने के बाद इनको मैंने छोटे छोटे गोलाकार साइज़ में टिक्की बना ली है। ये देखिए, इस प्रकार मैंने गोल गोल टिक्की बना ली है। इसी प्रकार सारे आटे की बना ली मैंने जो गूंद कर रखा था। अब एक फ्राइंग पैन में मैंने 4-5 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है। आप कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम कटलेट को डीप फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा ऑयल लेता है। यहाँ पर हम फैन फ्राई करेंगे इसको। देखिए, यहाँ पर मैंने जो फ्लेम ली है वो स्लो टू मीडियम ली है। हाई फ्लेम पर इसलिए नहीं लेना है क्योंकि ये जल जाएंगे और अंदर तक नहीं सिकेगा। मीडियम फ्लेम पर ही अंदर तक सिक जाएगा। मेरे देखिए वन साइडेड कटलेट हो गए हैं, मैंने यहाँ पर टर्न कर दिया है। ये दोनों साइड से अच्छे से सिक गए हैं मेरे सारे कटलेट। अब हम इनको प्लेट पर लेकर सर्व करने के लिए रखेंगे। यहाँ पर मैंने दही और इमली की चटनी के साथ खाया है। अगर आपके पास नहीं हो तो टमाटर का सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। केचप के साथ ये और भी स्वादिष्ट लगेंगे, स्वादिष्ट कटलेट चावल के।